everyone. Welcome to Khan Tech Education. So today's lecture is about phylum Mollusca. आज के इस वीडियो में हम phylum Mollusca और उसके characteristics को डिटेल से डिस्कस करेंगे So without wasting your time, let's get started. Phylum Mollusca फाइलमोलेका इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स आफ्टर द आर्थोपोर्ड्स एज वी ऑल नो दैट जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं जो आर्थोपोर्ड्स हैं वो लार्जेस्ट फाइल है इनवर्टिबेट्स एनिमल्स का ठीक है आफ्टर द आर्थोपोर्ट्स मोलेस्क है वो सेकेंड या मोलस्का जो है फाइलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फायलम है इनवर्टिबेट्स एनिमल्स का ओके सो so, जो फाइलम मोलिस्का के जो मेम्बर्स हैं इन्हें हम मोलेक् कहते हैं तकरीबन 85,000 फाइव थाउजेंड स्पीशीज मोलेस्की ऐसी हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज किया जा चुका है जबकि अगर हम इनका फोसिल रिकॉर्ड देखें या फोसिल स्पीशीज का रिकॉर्ड देखें तो फोसिल स्पीशीज का रिकॉर्ड इज एस्टिटेड बिटवीन सिक्सटी थाउजेंड टू हंड्रेड थाउजेंड स्पीशीज सो द प्रोपोर्शन ऑफ much high okay so many हाई ओके सो मैनी टेक्स आर रिमेन पोअरली स्टडी मीन्स इतनी स्पीशीज रिकोगनाइज होने के बाद भी अब भी जो फाइलम मुलिस्क है उसकी काफी सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो अनडिस्क्राइब हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया ठीक है सो द मोलस्क आर द लार्जेस्ट मेरीन फाइलम ठीक है अब हमने ऊपर क्या देखा था कि मोलस्क जो है वो क्या है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवेटिबेट एनिमल्स का जबकि अगर हम मेरीन फाइलस की बात करते हैं तो मुलेस्क ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है या फाइलम है मेरीन का ठीक है

जबकि कुछ फॉर्म ऐसी हैं या कुछ स्पीशीज ऐसी है जो हैं in the of the other कुछ स्पीशीज या कुछ मेंबर्स इस फाइलम के ऐसे हैं। जो अपनी लाइफ जो है वो पैरासाइट स्पेंड करते हैं या एज हिडन पैरासाइट जो है वो स्पेंड करते हैं मींस कि अदर एनिमल्स की जो है वो बॉडी में जो है वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं ठीक है अगर हम इनके साइज की बात करते हैं तो इनके साइज में बहुत ज्यादा जो है वो वेरिएशन हमें नजर आती है इनका साइज जो है वो वेरी करता है बहुत ज्यादा एक दूसरे से फ्रॉम जॉइंट स्क्वेड एंड काम टू द लिटिल स्नेल आ मिलीमीटर लॉन्ग ओके सो बॉडी इज सॉफ्ट अनसेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं ये या स्पीशीज है इसके साथ साथ अन एक्सेप्ट इन मोनोप्लेकोफोरा मोनोप्लेकोफोरा इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द फाइलम सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ये बायोलेट्री सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं बायोलेट्रिकल सिमेट्री का या बायोलेट्रल सिमेट्री का जो है कॉन्सेप्ट वो मैं अपनी लास्ट वीडियोज में अच्छे से जो डिस्कस कर चुकी हूँ बायोलेट्रल सिमेट्रिकल मीन्स के अगर हम इन्हें एक्सेस से काटे एक मेन एक्सेस से काटे तो ये जो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल में डिवाइड हो जाएंगे ओके? ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन एक्टो एंडो एंड मीजो जो है तीनों टर्मस okay? जो है यहाँ पर प्रेजेंट है ओके सो टिश्यू सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सिस्टम गेट की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी इसके साथ साथ इनकी जो बॉडी है वो हेड के ऊपर कंसिस्ट करती है फुट के ऊपर कंसिस्ट करती है मेंटल एंड विस्ट्रल मास के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रही है जैसे आप इन पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें विस्ट्रल मास भी दिखाई दे रहा है फुट भी दिखाई दे रहा है हेड भी दिखाई दे रहा है ठीक है इसके साथ साथ यहाँ पर मेंटल भी है सिलोमेट्स भी हैं ये सारी चीजें ठीक है थीके? The body body is clothed with one layer of epidermis. epidermis Means epidermis ciliated covered है. Okay, इसके अलावा इनकी body में एक प्रोटेक्टेड एक्सोस्लटन मौजूद होता है या calcareous shell जो है मौजूद होता है Just like आप इस picture में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो shell मौजूद है इसी तरह इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं ज्यादातर या मोस्टली में जो है वो एक्सोस्केलेटन ये शेल जो है वो प्रेजेंट होता है विच इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल ओके हेड की बात करें तो हेड इज डिस्टिंक्ट जिसमें माउथ प्रेजेंट है आईज प्रेजेंट है टेंटिकल्स प्रेजेंट है या अदर सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो मौजूद हैं ठीक है टेंटिकल्स भी जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स का ही काम करते हैं एक्सेप्ट इन पहली साइकोपोडा एंड ओके, okay? इन दोनों के अलावा तमाम के तमाम जो स्पीशीज हैं या मेंबर्स हैं उनमें हेड है जो वो है वो डिस्टिंग सो द नेक्स्ट इज द वेंट्रल बॉडी सो द वेंट्रल बॉडी इज मॉडिफाइड इनटू अ मस्कुलर फ्लो लाइक सरफेस ओके जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं ठीक है so ये वेंट्रल साइड है और एक मस्कुलर सरफेस जो है यह यहाँ पर आपको नजर आ रही है

विसरल मासेज मीन जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको कौन अन्क्लोज कर रहा है मेंटल जो है वो उनको अनकलोज करता है और एक कैविटी बनाता है ठीक है सो जैसे कि मैंने बताया कि जो विसरल मासेज है, हैं ये वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के ठीक है सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं या ये जो ऑर्गन्स हैं ये कॉम्पैक्ट फॉर्म की शक्ल में जो है वो uh, मौजूद होते हैं जो एक डोर्सल हम और डोम जो है वो बनाते हैं ठीक है बॉडी कैविटी कैसी है है बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी बेसिकली प्राइमरी फॉर्म ऑफ द कैविटी फ्लूइड जिसमें जो है वो सर्कुलेट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ पे कैसा है डाइजेस्टिव ट्रैक बेसिकली सिंपल डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो मलस्ट में मौजूद होता है या प्रेजेंट होता है एंटीरियर माउथ है जबकि पोस्टीरियर एनस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है बट अगर हम गेस्ट्रोपोर्ट्स uh, की बात करते हैं या स्केफोडोस की या शिफेलोपोर्ट्स की बात करते हैं तो इन तीनों में जो uh, स्ट्रक्चर है इंडेस्टाइन का वो यू शेप का है ठीक है जिसकी वजह से इनका जो एनस है वो इंटीरियर साइड की तरफ जो है वो प्रेजेंट है बट अगर हम मोस्टली मोलस्ट को देखते हैं तो इनका जो एनस है वो पोस्टीरियर साइड पे जो है वो प्रेजेंट है ओके सो नेक्स्ट इज द रेस्पिंग ऑर्गन रेस्पिंग ऑर्गन जिसे रेड्यूला भी कहा जाता है यूजुअली प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ मोलस्क

बेसिकलीपन डाइपलेट्री सिस्टम क्या होता है ओपन डेब ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो ब्लड है वो पैक्ट होता है आर्ट्रीज के अंदर और बेन्स के अंदर ओके okay? सो so, अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कैसे हैं सो रिस्पायरेटरी और कंटेनस गिडिया बेसिकली जो है वो एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर है यूजुअली प्रोवाइडेड विद ऑस्ट्रेडियम एट द बेस ओके अगर हम बात करते हैं लंग्स की अगर हम बात करें टेडिशल फॉर्म्स की तो यहाँ पे जो है वो लंग्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं सो जो इनकी रिस्पायरेशन है वो डायरेक्ट है अगर वो इक्वेटिक फॉर्म है या पानी में रह रहे हैं तो जो रिस्पायरेशन है वो किसके थ्रू होगी गिल्स के थ्रू होगी एंड अगर कोई ट्रेडिशनल फॉर्म है मॉलेस की कोई ऐसा मेंबर है जो खुशकी पे रह रहा है वो लंग्स के थ्रू जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है ओके okay? इसके अलावा कोई ऐसा मेंबर मॉलेस का जो खुशकी में भी रह रहा है और पानी में भी रह रहा है तो वो दोनों तरीके से जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है ओके सो नाउ द हीमोकाइनिन हीमोकाइनिन क्या है हीमोकाइनिन बेसिकली इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट ठीक है जिसकी वजह से जो मॉलेस का ब्लड है वो ब्लू दिखाई देता है जैसे अगर हम ह्यूमन स्विंग की बात करें तो ह्यूमन स्विंग के ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जिसकी वजह से जो कलर है ब्लड का वो रेड हमें नजर आता है ठीक है इसी तरह जो मोलेस के यहाँ पे हिमोकाइन जो है वो प्रेजेंट होता है ठीक है सो द नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन इज बाय पेयर्ड मेटेफीडिया किडनीज यहाँ पे पेयर्ड जो है वो मेटनिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू मॉलेस की जो है वो एक्सक्रीशन होती है ठीक है सो so, अगर हम मोलसक के नर्वस सिस्टम को देखें मोलस्क में टिपिकल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है जो कंसिस्ट करता है पेर्ड सेरिबुलर्स पे प्लूरल पेर्डर्स पे विसर्किंगलिया पे एंड नंबर्स ऑफ ट्रांसफर कनेक्शंस एंड नर्व्स के ऊपर सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेटेड डायोशियस ओके बट सम आर मोनोशियस एंड हर्मफ्रोडाइट ओके मीन्स यहाँ पे सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है ठीक है कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सेक्सेस सेपरेट हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ सेपरेट नहीं है सो so, अगर हम एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी ओके डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और विद मेटाम दोनों तरीके से होती है डायरेक्ट okay? भी है और मेटामोफोसिसकेगर लार्वा okay? और लार्वा Which develop from the external fertilization are the free-living. So that was all about the phylum Mollusca and its characteristics. aaj के is video mein humne phylum Mollusca ke characteristics और details discuss kiya I hope you all understood. अगर आपको इस टॉपिक से related कोई confusion है या कोई question है, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं। Kindly like, share and subscribe Khan Education. Thank you.